अमेरिका के इदाहो में छठी कक्षा की एक छात्रा स्कूल में बंदूक लेकर आई और दो छात्रों और एक संरक्षक को गोली मार दी। इस हमले में तीनों बुरी तरह घायल हो गए। अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा, तीनों पीड़ितों को छात्रा ने गोली मार दी, घायलों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेफरसन काउंटी शेरिफ इलाके के अधिकारी स्टीव एंडरसन का कहना है कि लड़की ने अपने बैग से एक हैंडगन निकाली और मिडिल स्कूल के अंदर और बाहर कई चक्कर लगाए और फिर तीन लोगों को गोली मार दी। हमलावर छात्रा को एक महिला शिक्षक ने रोकने की कोशिश की, जिसमें आरोपी निर्वस्त्र हो गई। हालांकि महिला टीचर ने उसे तब तक पकड़ कर रखा जब तक कि वहां पहुंचकर पुलिस ने उसे हिरासत में नहीं ले लिया। अधिकारियों का कहना है कि वो हमले के मकसद की जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की को बंदूक कहां से मिली। जांच अधिकारी एंडरसन ने कहा, हमारे पास अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसकी जाँच की जा रही है। हम सभी लीड का अनुसरण कर रहे हैं ताकि असल कारणों तक पहुंचा जा सके।